हाय, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम में बोर्ड पेपर साइकोलॉजी का पेपर कैसे लिखें। साइकोलॉजी के नहीं, सारे सब्जेक्ट्स। तो हाउ टू राइट बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, 12th स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब हम आपको एक स्क्रीन दिखा देते हैं। देखिए, ये है मेरे ये वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स थी, नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये है राइटिंग पैटर्न भाई, दिस इज़ द राइटिंग पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है। लिखते सब अच्छा है, लेकिन इन्होंने जब बनाई हुई है ये चीज़, तो आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ जो ये लिखा हुआ है ना, इलाज कर देते हैं हम इसको। जैसे ये लिख रही है, तो इसमें इन्होंने ये पहली बात तो क्वेश्चन नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, राइट। जैसे क्वेश्चन एक के नीचे एक, टू और वन, और वन और टू, ये लाइन में है, पूरा स्ट्रेट लाइन में है ना। दूसरा है, ये तो लास्ट ईयर का सिलेबस था, डोंट वरी, इस बार आपको सिलेबस नहीं है, लास्ट ईयर का सिलेबस का क्वेश्चन पेपर है, बिफोर कोविड वाला। लेकिन ये पेपर मैंने फोटो खींच ली थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर इन्होंने तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक, आपको नहीं है, आपको ये है इमोशनल क्वोशेंट वाला भी आपको सिलेबस में नहीं है। इस साल का सिलेबस बहुत ईजी है आपका, बल्ले बल्ले है। तो ये पहला चीज़ है, स्टार्टिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशनल क्वोशेंट, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है एकदम सही जगह से। फिर उसके बाद सेमी कोलन दे दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद जब वो नीचे लिख रहे हैं, तो ए बी और सी और डी और ई, तो ये पांचों की लाइन देखिए स्ट्रेट लाइन में आ रही है। फिर ए का जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सी का सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और ई, इसके जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं SSSE और ई, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ये होता है विजुअल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ओके, जो वहाँ पे यूजली फीमेल टीचर ज़्यादा होती हैं चेकिंग करने में, साइकोलॉजी में फीमेल टीचर ज़्यादा होती हैं, तो मेल भी हो वो आप भी हो वो आप गर्मी के महीने में पेपर चेक करेंगे आपका, और वो बोर्ड एग्ज़ाम पता नहीं कहाँ पे, बोर्ड एग्ज़ाम का जो बिल्डिंग है वो एसी वेसी भी नहीं होगा शायद, पता नहीं है ना। तो वो उस माहौल में, और इतना सारा बंडल, सुबह सुबह आप आए, आपको एक बंडल दे दिया, पूरा थप्पी दे दिया, लो चेक करो, ना टीचिंग ना वीचिंग कुछ, ना कुछ नहीं, बस इट इज़ अ वेरी मोनोटोनियस जॉब। उस अवस्था में उनको ये अगर ऐसे सिस्टमेटिक मिल जाए, तो वो फटाफट उनका हाथ टिक 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 हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको उसी चीज़ को आप डिटेल में लिखेंगे, तो वो ढूंढती बैठते हैं, फिर वो होता है इरिटेशन, और इरिटेशन होता है तो आपको क्या होता है, तकलीफ तो आपको होगी, मार्क्स तो आपको कम मिलेंगे ना। ऐसा नहीं कि कुछ नया पॉइंट लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं वही चीज़, लेकिन अगर वो लिखते हैं और वो आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि SSSE और ई, समझ रहे मेरी बात, ABCDE का जो जो वर्ड्स हैं उसका जो पहला वाला अल्फ़ाबेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, SSSE और ई, ये सेम लाइन में आया हुआ है। और ये इसके लिए आप चाहें तो एक स्केल ले लीजिए, और पेंसिल से आप डॉट बना सकते हैं, पेंसिल से। अगर आप नहीं कर पा रहे खुद से, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पेंसिल से डॉट बनाइए। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि वो सिस्टमेटिक लगेगा, और चेकिंग करने वाले को बड़ी आसानी से सारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स दिख जाएंगे। तो अब देख के लगता है कि हाँ भाई, इस स्टूडेंट को कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल क्वोशेंट के पांचों पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, याद है ना। तो ये हो गई बहुत इम्पोर्टेंट बात। फिर दूसरा चीज़ देखिए, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेमी कोलन किया हुआ है, हालांकि उनको उसके बाद थोड़ा सा स्पेस करना चाहिए था, इट रेफर्स टू, लेकिन यहाँ चल रहा है बिकॉज वो हाईलाइट हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस के नीचे जो स्पेस दिया हुआ है उन्होंने, स्पेसिंग करने से क्या होता है, स्पेसिंग करने से जो ऊपर का वर्ड है वो हो रहा है हाईलाइट। तो ये स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, हालांकि इन्होंने दो लाइन में स्पेसिंग दी है सेल्फ अवेयरनेस के नीचे, लेकिन आप एक लाइन में दोगे तो भी चलेगा, और दो लाइन में दोगे तो ये बहुत सही कर रहे हैं, है ना। ओके, इट रेफर्स टू द, वो है और पूरा डिटेल है, असेस वन सेल्फ, असेस वन सेल्फ है, असेस जो वर्ड है वो, फिर ए, उसके नीचे ओ, उसके नीचे एन, के ई, SS, मैं वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, असेस ऑफ, एक के नीचे एक है ना, मैनेज, ढूंढ लिया कहाँ मिला, मैनेज, एसेस ऑफ और मैनेज, हाँ। फिर नोइंग, इमोशंस, समथिंग, सेल्फ एंड, ये सारी एक लाइन में आ रही है। इससे जो विजुअल इफेक्ट पड़ता है, इसके एक फायदा होता है कि वो जैसे वो कबीर जी का दोहा है कि भाई प्यार से बोलिए,
आप हो शीतल हो, औरों को शीतल लगे, आप हो शीतल होएगी। औरों को भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। वैसी वाली बात है कि वर्ड्स लिखने से आपको अच्छा फील होता है। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कॉन्फिडेंस होता है, स्माइल, एक थ्योरी है ना कि अगर आप स्माइल करते हो तो फेशियल फीडबैक थेसिस, मैं हाइपोथेसिस बता रहा हूँ ना, कि फेशियल इमोशंस फीडबैक गोज टू द ब्रेन एंड द ब्रेन ऑल्सो फील्स हैप्पी। सो वो वाली चीज़ उसमें आ जाती है ना, राइट। पढ़ाई भी हो रही है और रिविजन भी हो रहा है। हर 4 घंटे में मैं आपको 1 मिनट डालूंगा। अभी आज क्या तारीख है, 20 तारीख है, 20, 21, 22, 23 है ना, 24 को एग्जाम है आपके 3 बजे। तो हर 4 घंटे में मेरा एक वीडियो एक्सपेक्ट करिए आप। तो मैंने, लोग मुझे पूछ रहे थे स्ट्रैटेजी क्या है, ये स्ट्रैटेजी है। तो अब हम आपको बता दिए कि SS ऑफ, ये बराबर सिस्टमेटिक लाइन में आ रही है। ऊपर जाके देखते हैं, सेम चीज़ उसने यहाँ करी हुई है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक चीज़ करा हुआ है और ये है एरो। मैं हमेशा कहता हूँ पॉइंटर्स, मार्कर्स, एरो बनाइए हमेशा। देखो ये वर्ड्स को देखिए आप, दीज, फन, दे रिजर्व्ड है ना, नियरली स्ट्रेट लाइन में है। और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं भी है लेकिन वो एरोज स्ट्रेट लाइन में है, एरोज नियरली स्ट्रेट लाइन में है ना, राइट। तो इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। जो टीचर 3 मार्क क्वेश्चन में आपको 1 देने वाली थी वो 1.5 या 2 दे देती है। फायदा हुआ ना, क्योंकि ऐसे एक नहीं, हमारे जो साइकोलॉजी का पेपर है ना वो दो दो तीन तीन चार चार मार्क्स वाले ही हैं बस। तो अब इस साल शायद पैटर्न बदल जाए। 10 मार्क क्वेश्चन एक ही आता था लास्ट टाइम, 5 मार्क क्वेश्चन आता है, उसके अंदर पॉइंट्स दिए होते हैं। और जो पहले वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, उसमें क्या होते हैं पता है कि वो 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जो आधा आधा नंबर मिल जाता है ना हर एक में, तो आधा 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 मिला के आपको 5-6 जगह आधे नंबर मिल जाते हैं। तो वो इस चीज़ से मिलते हैं, सुंदरता के भी मार्क्स होते हैं, है ना। सुना है हमने स्कूल में, टीचर बता देती थी कि हाँ बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, यू नो ब्यूटीफुल हैंडिंग के मार्क्स मिलते हैं। हैंडिंग के मार्क्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक की, कि टीचर्स को आराम दीजिए आप। मैं भी पेपर चेक करता हूँ तो ये देखता हूँ कि बड़े आसानी से टिक टिक टिक, हम तो रेडी है मार्क्स देने को फुल फुल। जहाँ गाड़ी रुकी, आपने गंदा लिखा, हमारी गाड़ी रुक गई, हाथ रुक गया ना, तो बस समझ लीजिए कि मार्क्स चले गए आपके। फिर हमें रीड करना है हर एक वर्ड। अब यहाँ कोई टीचर, दुनिया में कोई टीचर इसको रीड नहीं करता। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, दुनिया में कोई भी टीचर इसको रीड नहीं करेगा। आप किसी के पास टाइम नहीं है आपका पूरे पेपर रीड करने के लिए, नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। वो कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं, की वर्ड्स देखते हैं। और एक चीज़ है, इसमें क्रेशमर अंडरलाइन किया हुआ है, इमोशनल कोशेंट अंडरलाइन किया हुआ है, मैनेज देयर थॉट्स, एसेस वन सेल्फ। देखिए कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन की हुई है ना, ड्राइव। तो ये अंडरलाइनिंग इज द नेक्स्ट पॉइंट, अंडरलाइन करना भी बहुत जरूरी है। और अब जब मैं बोलता हूँ ना कॉलेज में कि अंडरलाइन करो, तो लास्ट टाइम प्रीलिम में क्या हुआ था, लोगों ने भर भर के अंडरलाइन कर दिया। मतलब ले भाई जितने मार्क्स चाहिए हम पेंसिल से अंडरलाइन कर रहे हैं और भर भर के ले लो भाई, उतना भी नहीं करना है। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस में एक अंडरलाइन है, रेगुलेशन का भी की पॉइंट है, मैनेज थॉट, सेल्फ मोटिवेशन का ड्राइव है ना, इस तरह से उन्होंने अंडरलाइन करा हुआ है। एक लाइन में एक चीज करा हुआ है, पिकनिक जॉली लिखा हुआ है, एथलेटिक को मॉडरेट और इंटरेक्टिव लिखा हुआ है। तो इस तरह से मेन मेन की वर्ड्स अंडरलाइन करना है। हाँ, हालांकि वो अंडरलाइन का सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगा, जॉली में वो जे और ओ और एल वाई कैंसिल हो रहा है, हल्का सा 1 मिलीमीटर नीचे करना है आपको, ये भी जरूरी है ना। तो वो चीज़ ध्यान देना। तो बाकी मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन अब आपको दिखता हूँ दूर से व्यू, जब टीचर चेक करती है ना तो ये व्यू दिखता है। अब ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, इसमें मैम को आप आराम दे रहे हो और आप खुद को आराम दे रहे हो, मार्क्स दे रहे हो कि मैम मैं मुझे सब आते हैं, मेरे मेन पॉइंट्स। और देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेन पॉइंट्स, अंदर का कंटेंट थोड़ा कम ज़्यादा होगा चलेगा, परेशान मत हो, बहुत ईजी सिलेबस है, 95 से 100 मिल सकता है अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं। इस लड़की को 99 था, यस, एक गलती उसने खुद की थी, उसने कहा था लास्ट डे उसने वो गाइड्स पढ़ लिए थे बस, वरना वो तो, और वो इसीलिए मिस्टेक कर दिया था उसने, 99 मार्क्स थे। फिल द ब्लैंक में गलती करती, फिल द ब्लैंक में कोई गलती करता है, वो गलती कर दी थी उन्होंने, बट 99 पाने वाली वाली लड़की है ये भाई। तो इस लड़की का ये क्वेश्चन पेपर है ना। तो ये आप भी इस साल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप भी ये बनाइए पेपर, आपको भी इतने मार्क्स मिले, मैं यही चाहता हूँ।
है ना। अब भाई मैं कमेंट्स का भूखा हूँ, बताते जाइए ना क्या लग रहा है मुझे। मेहनत कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अपने जूनियर्स को शेयर कर दो, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, मैं ये चाहूँगा आपसे। और कमेंट्स चाहूँगा, क्या चाहिए आपको वो बताइए मुझे। जो भी आपके हार्ड लग रहा है टॉपिक, कुछ चीज़ कैसा बनाना है, वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, ज़रा कुछ कमेंट करिए। थैंक यू।